खेड़ा में रक्षाबंधन पर्व पर बहनों की उमड़ी भीड़। रक्षाबंधन पूर्णिमा प्रारंभ में बहनों ने भाइयों के लिए राखी खरीदने दुकानों में भीड़ की। किस दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया तो कहीं दुकानों पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इस ओर प्रशासन की अनदेखी देखी गई। इस वर्ष कोविड की वजह से दुकानदारों को पिछले साल की तुलना में 50% धंधे का व्यवसाय, कुछ दुकानदारों ने बताया। दुकानदारों ने इस साल धंधे में कोविड से नुकसान होने की आशंका जताई। राखी के साथ ही नारियल, रुमाल, मिठाई एवं अन्य सामग्री की दुकानें में भीड़ थी। इसी प्रकार खापरखेड़ा पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत काले के मार्गदर्शन में रक्षाबंधन त्योहार व खापरखेड़ा परिसर में कड़ा बंदोबस्त देखा गया। बदल तर भरपूर आहे। आमच्या या वर्षीचा व्यवसाय 55% आहे। आमच्या वर्षीच्या नुसार आम्ही या वर्षी सोशल डिस्टन्सिंग साठी आम्ही भरपूर व्यवस्था केलेली आहे। तरी पण काही लोक मान्य आहे तर काही लोक नाही। यावर्षी ग्राहकांनी चायना रक्षाला काही प्राधान्य दिलं आहे का? नाही। स्वदेशी वस्तूंना जास्त महत्त्व दिलं जातं यावेळेस आणि समजदारी घेतलं जातं की जे अवेलेबल आहे ते घ्यावं किंवा म्हणजे इथे तिकडे जास्त फिरू नये। आपण आपल्या दुकानाच्या माध्यमातून ग्राहकांसाठी काय उपाययोजना करताय कोविड-19? आम्ही सॅनिटायझरचा वापर केलेला आहे। आम्ही मोठमोठ्या कॅन आणून सॅनिटायझरचा वापर करत आहे। पण मॅक्झिमम लोक म्हणजे मॅक्झिमम तर नाही 50% लोक जे समजदार नाही आहे ते याला इग्नोर करतात। BCN न्यूज के लिए खापरखेड़ा से दिलीप गजभे की रिपोर्ट।